दिखाता हूँ लाख की कैपिटल है, 1 लाख का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20% इनफ है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे एल हिटो। पता नहीं क्या मंगा रखा है। 7 बजे से क्लास स्टार्ट थी मेरी, लाइव क्लास ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो अभी मतलब 11 बजने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आपके ट्रेडिंग बहुत बढ़िया जा रही होगी, लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, हो जाएगा सब ठीक। दिन की तो बात है, जिंदगी थोड़ा उसमें चली जा रही है आपको। इट्स ऑल अबाउट अ सिंगल डे। एक दिन बुरा अच्छा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी जर्नी स्मूथ होनी चाहिए, उसमें सब चेंज हो जाता है। उठ गया अभी 6:30 हो रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ, जबरदस्त बारिश है, बहुत तगड़ा ठंडा भी होने लग गया ना आपको। अगर बुरा अपन रुके हैं गेस्ट हाउस में, यूजुअली आते रहता हूँ इस गेस्ट हाउस में, तो आज इधर ही रुके हैं और सही है। खुलेगा नीचे रेस्टोरेंट तो चाय कॉफ़ी मंगाएंगे। आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी में कहीं कुछ ट्रेड वेड बनेगा, तो थोड़ा सा मूवमेंट मेरे को लग रहा है आ सकता है। फर्स्ट हाफ में तो सेकेंड हाफ में एक मूवमेंट ही तो उठाना है हमने, बस मार्केट 200-300 पॉइंट जाएगा, 100-200-150-200 जितना पॉइंट जा रहा है, हमारा काम है 5-10 पॉइंट उठाना है, वही देखेंगे अगर कुछ मूवमेंट मिलेगा। वरना बारिश तो है, ठंडा है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा चाय कॉफ़ी पकौड़े खाएंगे आज। देखे इसकी शक्ल, एक ही सुबह एक ये है ठीक है। इधर अपना सामान, ये क्या क्या है, मौसम बढ़िया ठंडा हो रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त है व्यू। और देखो मौसम की चाल, वैसे धूप आती थी जाड़ों में, धूप आती थी, मैं यहाँ पर बहुत वीडियोस आपने देखी होंगी, ये भी बनाता था, पर पूरा विलेज गांव वाला एरिया, बंदर बहुत आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मार्केट हो चुका है ओपन, बाहर हो रही है खतरनाक बारिश और मैं भी सोया था। अब थोड़ा सा बिस्तर में बैठ के करते हैं कुछ ट्रेड की प्लानिंग। ऐसे तो थोड़ा गैप डाउन ना, गैप अप टाइप का दिया मार्केट ने, ठीक ठाक गैप अप दिया लेकिन टिक नहीं रहा है, देख रहा था मैं। देखते हैं एक बार मार्केट को, ये एकदम सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया नीचे, सब के सब ने गेन लूज कर दिया अपना। अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखता तो वो भी लूज कर चुका है, निफ्टी का देखा तो वो भी लूज कर चुका है। ये तो गैप के आसपास है, गैप फिल करने तो नहीं आ रहे, गई गैप फिल करके नीचे निकल गया। फिर निफ्टी में ट्रेड करना है, फिर निफ्टी निकलता है नीचे तो जाएंगे इस स्टॉप लॉस लगा के, फिर देखते हैं कुछ चीज के। किसने ठंड के चक्कर में बाहर रखा हुआ था, ठंड वंड छोड़ के दूसरा खरीद लेंगे। सुबह सुबह जो बनाया है अभी अभी कितना टाइम हो रहा है, क्या किया तूने? ये 64 दिखाता हूँ, इधर अपन ने जो ट्रेड लिया था छोटा सा स्टॉप लॉस, आपको बताया था क्या हो रहा है, अभी थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, लेकिन ये सपोर्ट एरिया होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस है ऊपर, मन मेन गेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है सपोर्ट पे। और ये ऊपर सीधा है, 2 कैंडल मार्केट ऑर्डर पे उठाया था, इसके हाई के ऊपर कैंडल निकलती है और ये एग्जिट, और वो ये वाला जो ट्रेड था 49,000 का जिसपे प्रॉफिट था, ये वाला ट्रेड है। देन एक और स्कैल्प किया सी साइड में, जब थोड़ा सा ऊपर को निकला एक छोटा सा स्कैल्प कर दिया, तो ऑलमोस्ट 64 हो चुका है हमें प्रॉफिट। और टाइम अभी हो रहा है 10:27, अभी देखते हैं दिन भर में कितना बनाते हैं आज। ट्रेड देखना जरूरी है ना, तो ऐसे थोड़ी खाते पराठा ट्रेड अरे यार आर्मी वाली रोटी, ये भाड़ू ने ऐसी पराठे दिए, चाय भी पैसे दे दी है, मुझे पैसे दे देगा बिल ले आएगा मैं 500। चीज केक का चीज अलग, केक अलग बारिश में रखा था ठंडा करने के लिए, बारिश में रखा था ठंडा करने के लिए, सपाट हो गया कीचड़। नजारे हो रहे भाई, मजा आ रहा है। ये क्या चल रहा भाई, भाई ठंडा है तो तू आज किस में सेक रहा है? अरे ठंड ले रहा हूँ ठंड। अच्छा नीचे कीचड़ है यार। हाँ ये थोड़ा सा ले झूला, गिरेगा ऐसे बारिश में, कर दे मैं ट्रेडिंग, मैं कुछ करने की जरूरत है अब बताओ। सुबह बन गए क्या फिर यार, अब शाम को बनाएंगे किसकी हिम्मत बारिश में आ गया हम तो आ चुके। तो ये तो हमने मेड बुलाया जो चाय देगा हमें, और ये देखो हमारे चाय लाया है। तो भाई बारिश हो रही है जबरदस्त, और आपके लिए कंटिन्यू ब्लॉग करते रहना है अपन ने, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है ना। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि भाई 5 EMA में क्या 5 मिनट में स्कैल्पिंग कर, तो 5-10 पॉइंट पकड़ते हो भाई, 5-10 पॉइंट ऑप्शंस में पकड़ता हूँ, इंडेक्स में थोड़ा पकड़ते हैं, 5-10 पॉइंट 2% 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऑप्शंस में मूवमेंट आता है, उसमें 5-10% बन जाता है, समझो। हम स्कैल्पिंग करते हैं, सिंपल सी बात है, जिसको ऐसा लग रहा हो कि क्या बोलते हैं
कुछ कुछ एक एक इतनी छोटी छोटी पोजीशन लेके एक 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 लाख रुपए यूज करके बना देते होंगे 87,000। नहीं, 5 लाख यूज होता है कभी। अगर 2-3 लाख के प्रॉफिट होंगे कभी तो उसमें समझ लो 10 लाख से ऊपर यूज हुआ है। मेरा सिंपल सा टारगेट रहता है 10% दिन का या 20% बन गया बहुत हुआ मेरे लिए, मुझसे ज्यादा यार। ठीक है, हम प्योर स्केल पर हैं। एंट्री किया, 2-4 पॉइंट मिला ऑप्शन के अंदर, 2-4% बना, 5% बना, 10% बना, सीधा समझो रुकता ही नहीं हुआ ट्रेड में। और यही स्कैल्पिंग है, मेरे को ये करना आता है, यही इसी से मेरी कंसिस्टेंसी है। और बाकी किसी और का एक और कुछ सवाल और था कि भाई आप क्या बोलते हैं जो सेटअप दिखाया है 1 करोड़ प्रॉफिट, जिसको देखना है। अब मैं रोज फालतू टाइम तो है नहीं कि भैया रोज तुम्हें जो मेरे को मैसेज करो उसको मैं PNL भेजता रहूँ। इंस्टा पर जाओ, वहाँ हाईलाइट्स में डाल के रखा है। किसी ने मेरे को पूछा था लाइव में, इंस्टा लाइव में, मैंने उसको लाइव में दिखाया सारी चीज़ें लाइव में। अब लाइव इंस्टा लाइव जो होता है उसमें भी ये हो सकता है ना कि ऐसे तुम डालोगे कहीं को कहोगे कि बनाया हुआ है कि वो सारी चीज़ें वहाँ देख सकते हो आप, सब कुछ वहाँ पर दिख जाता है। बाकी पॉडकास्ट आने दो, अब उन्हें सब कुछ शेयर किया हुआ है, अब हर किसी को तो चलते फिरते को तो बता नहीं दूंगा ये मेरा ये है मेरा वो है ना। प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ बताया जाता है। अब खान सर से जब तुम पूछोगे तुम्हारे साथ खान पे तो बताएगा क्या हो, तुम्हें बताएगा, वो उसे बताएगा जहाँ पर उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ पर ज़्यादा लोग सुन पाएंगे। वहाँ एक कमेंट से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा ना मुझे पड़ेगा। ठीक है, लर्निंग पर्पस है, सीखो। दिख रहा है कि यहाँ लोगों के मिसकंसेप्शन होते हैं कि बाइंग में पैसा नहीं बनता है, बना रहे हैं यार, और कैसे बना रहे रोज इधर उधर जाते घूमते घर में ही बैठे बैठे सब बनता है। तो इतनी जो मार्केट में आपको दिख रहा है ना चुतियाबंदी, उसको छोड़ के काम पर ध्यान दो, अपने उस पर ध्यान दो, दूसरों के उसमें जाके कमेंटबाजी से कुछ नहीं होगा है ना। तुम्हें मेरा प्रॉफिट मिलने वाला है ना तुम्हें मेरा लॉस मिलने वाला है। और किसी का और क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं सेटअप दिखा रहे कोर्स भेजने के लिए, हाँ दिखा रहे भैया कोर्स भेजने के लिए। तुम्हारे में दम है अपना प्रॉफिट दिखाने का, प्रॉफिट बनाने का, PNL शेयर करने का, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, करो तुम भी बेचोगे। अब 1% आदमी पैसा बना रहे हैं, 99% लूज कर रहे हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है, मेरे से हेल्प मांग रहा है, मैं क्या करूँगा बताओ? अपना पैसा दूंगा उसको? नहीं दे सकता, मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ ना। मैं कोई किसी टाइप की टिप कॉल दे रहा हूँ किसी को, इतना टाइम हमारे पास आएंगे है ना कि टिप कॉल्स ले लो, कल के दिन में उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो भी दे देंगे। सब कर रहे हैं बाजार में, हम भी कर देंगे, क्या है मेरा ही फायदा होगा, किसी का फायदा उसमें होने वाला है नहीं, सभी का नुकसान होता है। टिप कॉल से आज तक किसी ने पैसा नहीं बनाया। हम कम से कम सिखा तो दें, लोग सिखाने में जितना मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, जैसा मैंने सीखा है, जितना मतलब लॉसेस से सीखा उतना तो सिखा ही रहा हूँ इससे। और ऐसा तो मैंने कहीं कहा ही नहीं किसी से कि भाई आपको मेरे उससे कोई प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। करोगे नहीं मेहनत, अपना घिसाओगे नहीं मार्केट में, इतना नाक रगड़ोगे नहीं, तब तक वो चमक आएगी नहीं। ठीक है, तो आज का तो अभी तक ट्रेड्स दिखा देता हूँ, आज भी कुछ किया है, अभी हमने स्कैल्प मार दे दबा के। तो बाहर का ये मौसम चल रहा है ना, अंदर ये, और यहाँ पर थोड़ा चाय चुई लाया था इसमें। देखो सेकंड ट्रेड ना कैंडल में एंट्री सेम इसी ट्रेड में उठाया था 17,750, थोड़ा आउट ऑफ मनी लेके जाता हूँ, उसी कैंडल को निकाल दिया, सेम कैंडल में एग्जिट कर करके निकल गया मैं यहाँ पे इसी कैंडल के बाद एंट्री। नीचे का स्टॉप लॉस था, अगर नीचे निकल जाता मैं, स्टॉप लॉस में कभी भी इस पर नहीं लगाता सिस्टम पे, ये ऐप के अंदर स्टॉप लॉस मेरा सीधा साइकोलॉजिकल रहता है कि मुझे पता है यहाँ से नीचे निकला तो निकल जाना है, लॉस मेरा हद से ज्यादा दिखेगा निकल जाना। ये ऑलमोस्ट एक स्कैल्प ही किया था, दूसरा ये किया था, तीसरा ये किया था, फिर अभी जो लास्ट अभी फाइनल जो दोबारा से ट्रेड किया वापस इसी में किया था सेम ट्रेड में। तो अभी इतना चल रहा है ऑलमोस्ट 90,000, अभी देखते इसको एक पहुँचाते तो एक पहुँचा देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 लाख की कैपिटल, 1 लाख का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 20% इनफ है। डबल करने का हमें आता ही नहीं है ना, हम कभी सोचते हैं, जब सोचा सब डूब गया था। तो यहाँ पर फिन निफ्टी की एक्सपायरी चल रही है जबरदस्त है, ऑलमोस्ट 20% का आरओआई अपना बन चुका है 5 लाख की कैपिटल पे, काफी तगड़ा मार्केट घूमता हुआ है ना, डायरेक्शनल मार्केट है, मजा आया। इनको देखो ये कुछ काम नहीं है, सोने का काम है लेकिन अपना काम है। तो ये हो गया डूड आज का, दोस्तों डन हो चुके हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी वापस से ट्रेड मारने के लिए निकल गया था इसमें इसी कैंडल में निकल गया मैं, बहुत तगड़ा जबरदस्त है आउट ऑफ द मनी में, थोड़ा सा स्कैल्प मारने में मजा आता है, बट रिस्की है ये चीज़, इसको होता है आउट ऑफ द मनी स्कैल्पिंग, बट आपको अगर एक बार प्रैक्टिस होती है चीज़ों की समझ होती तो हो जाता है ना। एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट 40-50% का रिटर्न मिल जाता है अगर मार्केट में है मोमेंटम स्पाइक अगर दे रहा है तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है आज का। तो अभी यहाँ पर बारिश थम गई थोड़ा सा, पीछे का मौसम देखो इतना खतरनाक लग रहा है, बारिश थम चुकी है। ठीक है, हमने यही मैंने यही भी अपना ट्रेडिंग सेटअप बना दिया एक लैपटॉप के साथ। ठीक है, जो मेरा हमने ट्रेडिंग सेटअप देखा वो मेरे रूम का है। ठीक है, बाकी जहाँ मैं जाता हूँ लैपटॉप से काम हो जाता है, इतना ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग सेटअप ही है तो तभी करोगे, सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास स्किल है, आप पे स्किल होना चाहिए आपके पास तो कर सकते हो, तो अपना शौक होता है कि यार एक बड़ा सेटअप अच्छा सा कि रोज़ आपको उठ के देखना है कि लैपटॉप पर काम करोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो इसीलिए
जरूरी नहीं है सेटअप ही हो हमेशा, तो बिना सेटअप के भी आप कहीं भी जाके कभी भी किधर भी ट्रेड कर सकते हो, बट आपके पास हाँ ट्रेडिंग स्किल होना जरूरी है। तो अभी की पोजीशन जरा दिखाता हूँ। तो कुछ मौसम ठीक हो चुका है, यहाँ भी ऊपर गांव है, ये अपना गेस्ट हाउस और यहाँ पर अपने ट्रेड आज के क्लोज हो चुके हैं। टाइम हो रहा है अभी 2:29 हो रहा है टाइम। तो अभी के ट्रेड्स क्लोज कर चुके हैं, पहले भी दिखा दिया था। तो आज का दिन हो चुका है क्लोज, यहीं पर बना दिया अपन ने अपना ट्रेडिंग सेटअप। और यहाँ पर मैं कैसे काम करूँगा अभी दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस कदर यहाँ होगा, ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप चलता फिरता ट्रेडिंग सेटअप बना दिया। रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो बड़ा बड़ा स्क्रीन की, वो तो अपना शौक है कि हाँ यार उनको ट्रेडर जैसा एक वो रखना है इंटीरियर रखना, बाकी जितने में काम हो जा रहा है। एक और लैपटॉप वो रखा ही है, तो ये अपन का ऐसा हो गया। और अपन अब चलते हैं ठंडी ठंडी वादियों के बीच। ओफो, तो अभी अपन वापस से निकल चुके हैं, थोड़ा ऊंची वादियों के बीच जाके आते हैं, है ना, कसार देवी की तरफ जाके आते हैं। और थोड़ा सा पूल भी खेला हमने, हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट बैठे हैं प्लेयर पीछे पूल के, ना वीडियो तो बनी नहीं, भूल गए हम बनाना, पर रील के लिए जो भी बनाए उसी को इसमें डाल देंगे, देख लेना। बहुत ज़बरदस्त ठंडा है, एक स्वेटर भी लेनी पड़ेगी, छोटा सा पतली सी स्वेट शर्ट टाइप, देखते हैं क्योंकि ठंड यहाँ ज़्यादा है। हमारे अपन ने वहाँ से चकोटे से ज़्यादा ठंड है अल्मोड़ा में, वो बीमार हो जाएंगे वरना। तो यहाँ तो हो गया मस्त कोहरा भाई, और ज़बरदस्त हो रहा है माहौल, मौसम और ठंडा। तो अभी अपन आ चुके हैं, थोड़ा सा फ़ोन आ जाता है, ये फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ ब्लॉग, तो फ़ोन आ जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे एल हीटो आ चुके हैं, मतलब अलीटो यहाँ का नाम है। तो यहाँ आ गए, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, दिखाता हूँ एक बार। ये देखो भाई साहब कहाँ मैं था और कहाँ आ गए, इसी ठंड हो रही है, मैं तो एक टीस ही है। बहुत ज़बरदस्त एकदम भाई, आओ तुम दिल्ली दिल्ली में क्या करते हो, इतनी गर्मी में मैं इधर पागल हो रहे, यहाँ आओ यार। तो अभी हम चाय चूँ कुछ मंगाते हैं, ठंडा ऐसा होता है कि ये पहन के आया हूँ मैं, रुक नहीं रही ठंड, है ना, मंगाओ ना कुछ मंगा लो भाई। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो चाय का स्वाद लेने आए हैं, पकौड़ी चाय पकौड़ी है ना, और एक और चाय आती है। बाहर का मौसम देखो जबरदस्त भाई साहब। तो भैया ठंडी गर्म चाय पकौड़ी और मौसम बहुत ज़बरदस्त है, पीछे शकल तो मेरी ऐसी देख रही होगी। अब आओ कभी पहाड़ में आओ, अल्मोड़ा आओ, पिथौरागढ़, मसूरी, तो वहाँ हो गया कौसानी, ऐसी ऐसी जगह आओ, चखुटिया मेरे घर आओ, फिर मिलते हैं। मीनू 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 देखो, खाना देखो, बहुत सस्ता खाना मिलता है, बहुत तगड़ा फ्रेश। तो अभी इन पता नहीं क्या मंगा रखा है, ये दे फोटो वाले कहते हैं, पता नहीं क्या होते हैं पिक्चर वाले के, दाल भात के चक्कर अल्कोहल ना, पर ये फोटो दाल भात के चक्कर में पता नहीं क्या है, लोल लोल मंगा रखे, ये खाता है लोल, ये क्या है, ये क्या है, सिरती नहीं है भाई यार। दोस्तों बड़ी ठंड है भैया, जो ठंड थी अभी क्या बताऊं, हालत खराब हो रहा, ऐसी ठंड तो सर्दियों में भी नहीं थी जितनी ठंड अभी हो रही है, लेकिन अब कल आएंगे यहाँ, इतनी ठंड झेलने जा रही है ना, एक कपड़ा पहन के आ गया मैं भी। तो अभी थोड़ा मॉल की तरफ जाते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने, फिर चलते हैं रूम पे, फिर रहेंगे उसके बाद आएगा। तो अभी यहाँ पे जो क्लास ऑलमोस्ट ओवर हुई है और 22:49 हो रहा है, अभी क्लास हो रही कन्वर्ट जस्ट ओवर करके, तो अभी मतलब 11 बजने वाले हैं, 7 बजे से क्लास स्टार्ट थी मेरी लाइव क्लास ऑन रिस्क मैनेजमेंट। तो अभी क्लास हुआ है ओवर और आंखों में पड़ गए कट्टे, सुबह 4 बजे से भाई उठा था मैं, 4 से थोड़ा फिर घूमा फिरा, कुछ ट्रेड किया दिन भर, फिर उसके बाद शाम को थोड़ा इधर उधर गए, कुछ मिला किसी से मिल के आए, फिर वापस से रूम पा के फटाफट सेटअप रूम पे, यानी इंटरनेट कनेक्शन नहीं ढंग का, फोन से वाईफाई यूज करके क्लास भी कराई, रिस्क मैनेजमेंट की क्लास थी, काफी इंपॉर्टेंट, मतलब जो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आधा ज्ञान देना, मतलब मुझे पता है कि यहाँ आधे ज्ञान की क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, कितना कुछ फेस करना पड़ता है आधे ज्ञान से, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट 4 घंटे निकल गए मेरे को खुद पता नहीं चला, तो वो कंप्लीट किया है उसका रिकॉर्डिंग, तो फिर जो आज नहीं देख पाए उनका रिकॉर्डिंग वो कल देखेंगे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है ऐप में। आज का ब्लॉग यहीं ओवर करते हैं, ब्लॉग भी एंड नहीं कर पाया टाइम से,
तो आई होप आपको मेरा ट्रेडिंग व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, सीखो। बाकी आपको पता है स्केल पर है, ठीक है, तो अपना साइकोलॉजी माइंडसेट इसमें सब कुछ स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है। मैं पोजिशनल ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग का बीटी एसटीबीटी का चीज़ें नहीं समझा सकता। स्कैल्पिंग की चीज़ें मैं करता हूँ तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा बेटर समझा पाता हूँ, ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाता हूँ, क्योंकि मैं रोज ही वो चीज़ें करता हूँ। तो अगर आपको मेरा व्लॉगिंग कंटेंट पसंद आता है, व्लॉगिंग कंटेंट से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल रहा है ट्रेडिंग करके, हाँ हम कर सकते हैं, करेंगे आने वाले टाइम में, हम भी कर सकते हैं अगर ये कर सकता है, तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ, साथ ही साथ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। हाँ, फुल टाइम ट्रेडिंग ऐसी होती है, उन्हें पता चलना चाहिए कि कोई ऐसा कोई बड़ा इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मली इसको किया जा सकता है, एज ए बिजनेस आप इसको कर सकते हो, ठीक है, बट टाइम लगता है, टाइम मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम देना पड़ेगा। और मेरा क्या होता है, ऐप भी डाउनलोड कर लो, ऐप का लिंक मैंने दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लो, तो मैं कुछ स्ट्रेटजीज अभी उसमें दूंगा, मेरी जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है उसको मैं शेयर करूंगा, तो आपको ऐप के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।